नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ फाइनल, कांग्रेस 9 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में बिजली की दरों में हुई कमी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर 72 नामांकन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आयोग के अधिकारी ईओयू के रडार पर। T20 किंग सूर्य कुमार यादव ने रियान पराग की तारीफ की। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ फाइनल, कांग्रेस 9 सीट पर लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। महागठबंधन में बात फाइनल हो चुकी और आज सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और इसमें कांग्रेस को 9 सीट देने की बात कही गई। वहीं भाकपा को बेगूसराय की 1 सीट, माकपा को खगड़िया की 1 सीट दिए जाने पर सहमति हुई। इधर भाकपा वाले को 3 सीट, इसमें नालंदा, आरा और काराकट शामिल है। वहीं बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी यानी कि राजद 26 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। राजद गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। जबकि कांग्रेस के खाते में कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम, समस्तीपुर, महाराजगंज की लोकसभा की सीट आई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बिहार में बिजली बिल के दरों में हुई कमी। बिहार में करीब 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल से बिजली के दर में कमी हो रही है। इससे राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बिहार सरकार की ओर से बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपए अनुदान देकर बिजली बिल में कमी लाई गई है। दरअसल बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला लिया गया। ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी की गई है। वहीं फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीटर से बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए पहले 70 पैसे प्रति यूनिट लगता था। मालूम हो कि बिना मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए 85 रुपए की दर से शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जल्द होगा जारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com और secondary.biharboardonline.com पर परीक्षार्थी अपनी परीक्षा का परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि 31 मार्च तक 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। होली को लेकर परीक्षा परिणाम आने में थोड़ी देरी हुई है। ऐसा नहीं होता तो होली के पहले ही परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी जाती। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि किसी भी वक्त मैट्रिक के परीक्षा परिणाम की घोषणा हो सकती है। आज या कल तक भी परीक्षा के परिणामों का ऐलान किया जा सकता है। टॉपर्स का वेरिफिकेशन फिलहाल पूरा हो चुका है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आयोग के अधिकारी ईओयू के रडार पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 पेपर लीक मामले में आयोग के अधिकारी ईओयू की रडार पर है। मालूम हो कि पेपर लीक मामले की ईओयू जांच कर रही है और इसी कड़ी में बिहार लोक सेवा आयोग से कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। परीक्षा संचालन में शामिल अधिकारियों और बाहरी एजेंसी से संबंधित जानकारी मांगी गई है। ये भी सवाल किया गया है कि प्रश्न पत्र कहाँ छापे गए थे और उसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। बीपीएससी के पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से ईओयू पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र की छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी कई तरह के सवाल किए गए हैं। जेईई मेन के परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। जेईई मेन के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। एनटीए की ओर से नई परीक्षा तिथि को जारी किया गया है। 4, 5, 6, 8, 9 अप्रैल को बीई बीटेक के लिए एग्जाम हर दिन 2 पाली में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं इससे पहले 15 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन होने वाला था। मालूम हो कि परीक्षा के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा और उसके एग्जाम सेंटर और शिफ्ट से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
युवा मतदाता वीडियो बनाकर मतदान के लिए करे प्रेरित। युवा मतदाता वीडियो बनाकर मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लाखों लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो बनाकर डालने का लोगों को मौका दिया जा रहा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि एक युवा मतदाता लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है और उसके लिए अपना एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 7007910560 पर साझा किया जा सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करना है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 30 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव केसी त्यागी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादियों के लिए एक बड़ा दिन है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पुरोधा थे, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम में शरीक होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। होली के दौरान पटना में कटे 40 लाख रुपए के चालान। होली के दौरान अधिकांश बाइक सवार बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे थे। वहीं कुछ इलाकों में ट्रिपल लोड बाइक सवार अपने जान को जोखिम में डाल रहे थे। इस पर पटना की ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना में होली के दौरान दो दिनों में ही 40 लाख रुपए से अधिक के चालान काटे गए हैं। आपको बता दें कि होली के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। वाहन चालक गति सीमा का ख्याल रखे। इसे लेकर अटल पथ, जीपी गंगा पथ पर पुलिस के इंस्पेक्टर वाहन खड़े किए गए थे, जबकि नेहरू पथ, बेली रोड और मौलाना मजहरुल पथ समेत कई इलाकों की बैरिकेडिंग की गई थी। के पाठक ने रिटायरमेंट के बाद कई शिक्षकों के आर्थिक लाभ पर लगाई रोक। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने रिटायरमेंट के बाद कई शिक्षकों के आर्थिक लाभ पर रोक लगा दी है। के पाठक की ओर से इसे लेकर आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सामान्य सरकारी विद्यालयों के टीचर जैसा आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा। मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को सेवांत लाभ नहीं दिया जाएगा। के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूर्ण रूप से निजी विद्यालय है। शिक्षकों को सिर्फ वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर 72 नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर 72 नामांकन किए गए हैं। मालूम हो कि बिहार में 4 सीटों पर नामांकन बीते दिन खत्म हो चुका है और अधिकतर प्रत्याशियों ने आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद का डेटा ये साबित कर रहा है कि लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से पहले चरण को लेकर जानकारी दी गई है। इसमें ही ये बात निकलकर सामने आई है कि आयोग के मुताबिक गया लोकसभा क्षेत्र से 22, नवादा में 17, औरंगाबाद में 21 और जमुई में 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इन सीटों पर नाम वापसी की तारीख 2 अप्रैल है। NIOS ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के एडमिट कार्ड को किया जारी। नेशनल स्कूल फॉर ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अप्रैल और मई के सत्र में हिस्सा ले रहे परीक्षार्थी, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट stmis.nios.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा 6 अप्रैल से 22 मई तक के लिए आयोजित की जाएगी और अधिकांश विषयों की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी। अधिकतर विषयों की परीक्षा का आयोजन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम की 5:30 बजे तक किया जाएगा और छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में लाखों की विदेशी शराब बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लाखों की विदेशी शराब को बरामद किया गया है और साथ ही कई वाहन जब्त हुए हैं। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के कांजीदा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप 75 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया और इसके अलावा एक पिकअप और स्कॉर्पियो को भी पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है, जबकि ट्रक और पिकअप के चालक को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ट्रक और पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने की बताई वजह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह बताई है। दरअसल अशोक चौधरी अपने प्रत्याशी के कैंपेन के लिए कटिहार जिले में पहुंचे थे और इस दौरान
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने पर अशोक चौधरी ने कहा कि राजद अक्सर कांग्रेस और अपने सहयोगियों के साथ छल करती है, इस बात को समझते हुए भी कांग्रेस नासमझ बनकर बैठी है। अशोक चौधरी ने बताया कि इस कारण ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि इस बार चुनाव का परिणाम और बेहतर होगा और एनडीए की 400 पार का नारा सफल होगा। तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी मामले में की बड़ी मांग। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के कारण जान चली गई और उसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुखद समाचार उन्हें मिला शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। संवैधानिक संस्थानों को ऐसे मामलों को खुद ही संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष जांच करे। T20 किंग सूर्य कुमार यादव ने रियान पराग की तारीफ की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार पारी खेलकर कमाल किया है। उन्होंने 45 गेंद में नाबाद 84 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स की पारी को संभाला और उन्होंने टीम को 185 रन के स्कोर तक पहुंचाया है। दरअसल रियान पराग जब क्रीज पर आए तो आरआर की पारी लड़खड़ाई थी, लेकिन इन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की। इस दमदार पारी के बाद T20 किंग सूर्य कुमार यादव ने उनकी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रियान ने पूरी तरह से रिकवरी पर काम किया है और अनुशासन के साथ अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। आईपीएल 2024 में रियान पराग की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, धर्मेंद्र कुमार, गणेश पंडित, उमेश श्रीदेव, मोहन सिंह, मोहम्मद शकीर हुसैन, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, रजनीत मिश्रा, योगेंद्र पासवान, नवल किशोर झा, गुनर शर्मा, रवि कुमार राम, वेद प्रकाश सिंह, योगेंद्र यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके शहर में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।